हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अजय, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लासी यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं ए दिसंबर करंट अफेयर। वीडियो को फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। और नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय में मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारे करंट अफेयर के 625 नंबर करंट क्वेश्चन वीडियो को एक क्वेश्चन नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर एक है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए ग्रीमा ग्रह और नेशनल पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? विच इनॉग्रेटेड द डिजिनिटी हाउस एंड नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, किसने किया? तो वो किया थावरचंद गहलोत ने। किसने इनॉग्रेटेड, किसने किया? थावरचंद गहलोत। राइट आंसर डी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो आप अपने मंत्री हैं थावरचंद गहलोत, उन्होंने 25 नवंबर को इस ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जो राष्ट्रीय पोर्टल और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक आश्रय आश्रय ग्रीमा ग्रह जिसका नाम है का आभासी उद्घाटन किया। और इस नेशनल पोर्टल का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को आगे आने और उनकी आत्म पहचान के अनुसार ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और पहचान पत्र हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है, क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति ऑनलाइन प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के लिए एक नेशनल पोर्टल का उपयोग कर सकेंगे। सभी आवेदक बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के और किसी भी कार्यालय का दौरा किए बिना अपने आईडी कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। रिवीजन करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चन एक के साथ। रिवीजन करेंगे क्वेश्चन एक था कि किस राज्य ने लोक कलाकारों के समर्थन के लिए पधारो हमारे देश जो डिजिटल कोविड रिलीफ पोस्टर सीरीज है उसका उद्घाटन किया? किसने किया? वो किया राजस्थान ने। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण AAI ने विमान सुरक्षा जागरूकता सप्ताह कब मनाया? तो मनाया 23 से 27 नवंबर तक। हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा उद्घाटित किए गए हैवी वेटेड टारपीडो का क्या नाम है? तो उसका नाम क्या था? वरुणास्त्र। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अनुमूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। OSHNWC कोड जिसे हाल ही खबरों में देखा गया किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो किया गया श्रम मंत्रालय द्वारा। फाइव आईज जो कि एक खुफिया संगठन है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कौन सा देश शामिल है? तो वह है न्यूजीलैंड। कौन सा है? न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर है दो, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय 3 देशों की यात्रा पर है, निम्न में से कौन सा देश है जो उनकी इस विदेशी यात्रा का हिस्सा नहीं है? फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर एस जयशंकर इज करंटली ट्रेवलिंग टू द 3 कंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेवल्स? कौन सी नहीं है? तो वह सऊदी अरब। वो है बहरीन, सेलेस के साथ साथ यूएई में जो दौरा करेंगे, ना कि सऊदी अरब के अंदर। तो राइट आंसर इसके अंदर क्या है आपका? ए। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय 3 देशों की विदेशी दौरे पर है, जबकि पहले ही बहरीन, यूएसए का दौरा कर चुके हैं और इन दोनों देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। विदेश मंत्री की जो तीसरी यात्रा है वो कहाँ की है? 27 से 28 नवंबर को सेलेस में होगी। जयशंकर सेलेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति वेवल राम कल्याण से मिलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें इस जीत की शुभकामनाएं भी देंगे। भारत के विदेश मंत्री इस मौजूदा 3 देशों की विदेशी दौरे में सऊदी अरब का विदेशी दौरा शामिल इसके अंदर नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? सऊदी अरब। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। विच कंट्री फेल टू मेक इट टू द टॉप 10 कंट्रीज ऑफ फीफा रैंकिंग ऑफ द ईयर 2020? कौन सा देश 2002
2020 की फीफा जो रैंकिंग है उसकी शीर्षक 10 देशों में अपनी जगह नहीं बना पाया तो कौन? वह है जर्मनी। राइट आंसर सी। लास्ट ईयर जो चैंपियन है रही है फीफा की, वो शीर्षक 10 में जगह बनाने में विफल है क्योंकि यह वर्ष 2020 के लिए 27 नवंबर को जारी फीफा की जो फाइनल रैंकिंग लिस्ट है उसमें 13वें स्थान पर रहा है, ना कि 10 के अंदर। स्पेन को 6ठे स्थान पर रखा गया है, इसके बाद अर्जेंटीना, उरुग्वे, मैक्सिको, इटली है। जर्मनी वर्तमान विश्व कप चैंपियन है तथा फुटबॉल खेलों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जर्मनी की सबसे टीम सफल राष्ट्रीय टीमों में से एक है, जिसने 1954, 74, 90 और 2004 में कुल 4 विश्व कप जीते हैं और वर्ष 1972, 80 और 96 में कुल 3 यूरोपीय चैंपियनशिप भी जीती है। पूर्वी जर्मनी की टीम ने 1976 में ओलंपिक जो स्वर्ण पदक है वो भी जीता है। क्वेश्चन नंबर है 3। फकीर चंद कोहली 26 नवंबर 2020 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने किस आईटी कंपनी की स्थापना का नेतृत्व किया? फकीर चंद कोहली डेड ऑफ ए हार्ट अटैक ऑन 26 नवंबर 2020। विच ग्लोबल आईटी कंपनी डिड द लीड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टोक्यो? वह TCS। राइट आंसर डी। आईटी इंडस्ट्री के अग्रणी फकीर चंद कोहली 26 नवंबर को उनके निवास स्थान पर उनका हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। वे 96 वर्ष के थे। उनका जन्म 28 फरवरी 1924 को पेशावरों के अंदर हुआ था। उन्होंने ग्लोबल टेक बीमोथ TCS की शुरुआत के लिए जाना जाता है, जिसे भारत की आईटी इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। कोहली टाटा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के साथ वर्ष 1951 में जुड़े, जहां उन्होंने सिस्टम संचालन को प्रतिबंधित करने के लिए लोड डिस्पैचिंग सिस्टम स्थापित करने में मदद की। वर्ष 1970 में वे इस कंपनी के डायरेक्टर नियुक्त किए गए और फिर बाद में TCS कंपनी के पहले CEO बने, जहां से वर्ष 1999 में 75 साल की उम्र में उन्होंने रिटायर ले लिया। उन्होंने रिटायर कब लिया? 1999, तब उनकी वर्ष उम्र थी 75 वर्ष। कितनी थी? 75 वर्ष। क्वेश्चन नंबर है 5। भारत ने किस तारीख तक अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय जो वाणिज्य के यात्री उड़ानों हैं उन पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है? टू व्हाट डेट हैज इंडिया एक्सटेंडेड द बैन ऑन शेड्यूल्ड इंटरनेशनल कॉमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट? तो राइट आंसर इज 31 दिसंबर। राइट आंसर इज ए। 26 नवंबर 2020 को नागरिक उड़ान मंत्रालय, भारत सरकार ने मौजूदा COVID-19 महामारी के कारण अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के यात्री सेवाओं पर प्रतिबंधित को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। हालांकि जरूरत के मुताबिक चुनिंदा मार्गों पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुनिश्चित उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। इस दौरान वंदे मातृ मिशन के तहत उड़ानें जारी रहेंगी। इससे पहले कोरोना वायरस महामारी की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन के कारण भारत में 2 महीने के अंतराल के बाद 25 मई 2020 को घरेलू यात्री उड़ानों को दोबारा शुरू किया गया था। इससे पहले भारत की विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 नवंबर 2020 तक प्रतिबंध लगाया गया था और अब इसे कब तक दिए? 31 सितंबर तक इसे बढ़ा दिया है। आगे देखेंगे टुडेज, आज का जो सवाल है वो देखेंगे। टुडे आपके लिए जो सवाल है वो देखेंगे। क्वेश्चन, किस टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए पहली बार अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार TX2 जीता है? तो किसने जीता है? किस टाइगर रिजर्व हैज वोन द इंटरनेशनल अवार्ड TX2 फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन? ऑप्शन दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व या पेंच टाइगर रिजर्व? राइट आंसर दें अपने नीचे कमेंट के द्वारा, और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम अगले वीडियो के अंदर शेयर किए जाएंगे। तो फटाफट अपने आंसर देंगे कमेंट के द्वारा। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु वॉज के नोन द एज द फादर ऑफ इंडियन
आईटी इंडस्ट्री। तो राइट आंसर एफ सी कोहली, फकीर चंद कोहली, राइट आंसर बी। फकीर चंद कोहली को दुनिया के सबसे बड़े आईटी सेवा प्रदाता टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना के साथ भारतीय आईटी क्षेत्र में सतत विकास का नेतृत्व के करने के लिए भारतीय आईटी उद्योग के जनक के तौर पर जाना जाता है। उनका जन्म 1924 को पेशावर में कोहली 100 अरब डॉलर की टीसीएस कंपनी के पहले सीईओ थे, जिन्होंने 2002 में कोहली को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसी तरह कोहली को इकोनॉमिक टाइम्स फॉर कॉरपोरेट एक्सीलेंस में वर्ष 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हीं के प्रयासों का नतीजा था कि आईबीएम जैसी बड़ी विदेशी कंपनी भारत आई और टाटा आईबीएम ने साथ मिलकर काम किया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी फकीर चंद कोहली की मौत पर दुख जताया है। क्वेश्चन नंबर है 7। राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने बुलेट ट्रेन परियोजनाओं के लिए किस कंपनी के साथ देश के सबसे बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन हैज साइंडेड द कंट्री लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? तो राइट आंसर इज LNT, राइट आंसर बी। राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम NHSRCL ने अहमदाबाद मुंबई बुलेट प्रोजेक्ट परियोजना के लिए 26 नवंबर को आधारभूत संरचना प्रमुख लॉरेंस एंड ट्यूबो यानी LNT के साथ 24,000 करोड़ रुपए के देश की सबसे बड़े सरकारी वित्त पोषित नागरिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। लॉरसन एंड ट्यूब्रो भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। ये कंपनी विश्व के अनेक देशों में अपना कारोबार चला रही है और इसके कार्यालय एवं कारखाने पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं। इस कंपनी की लगभग 25 देशों में 60 से ज़्यादा इकाइयाँ हैं और ये एक कंपनी जिन चार प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में अपना कारोबार संचालित करती है उनमें उनके क्षेत्र कौन से हैं? वो है प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, निर्माण और उत्पादन। ये इनके चार क्षेत्र हैं इस कंपनी के द्वारा संचालित कारोबार के। लास्ट डे का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम। क्वेश्चन क्या था कि चक्रवात जो गति है, चक्रवात गति, उसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। और आज की जो मोटिवेशन लाइन है वो है, जीवन के वृक्ष से दो फल अवश्य प्राप्त करें, कौन से? एक मधुरवाणी और दूसरा धर्म का संगत। धर्म का संगत यानी धर्म का साथ। सही आंसर देने वाले जो विजेता है पिछले वीडियो के, उनमें पहले स्थान पे है सुधांशु कुमार, दूसरे पे है जैन शर्मा और तीसरे पे है मुन्ना कुमार। आगे है सपना कुमारी, तनुबिश, दुर्योधन साय, आशीष ठाकुर, तारिफ खान, नीरज प्रताप प्रजापति, प्रकाश बावरी, नारायण गरासिया, निशांत शर्मा, देवराज डांगी और निशी शर्मा। उम्मीद करेंगे आप सभी को हमारे ये वीडियो पसंद है। वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।